नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। हमास चीफ हानिया के मौत के बाद से बौखलाए ईरान ने बीते मंगलवार की रात इसराइल पर करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। इसराइल के आसमान में मिसाइल और आयरन डोम के बीच जंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर इसराइल का आयरन डोम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर भारी पड़ा है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइल दागी, लेकिन आयरन डोम ने 99% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। मंगलवार की रात कुछ ही मिनटों के अंदर इसराइल पर ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल के लिए ईरान ने फतेह और इमाद जैसी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लेकिन इस हमले के बाद इसराइल ने चौंकाने वाला दावा किया है। इसराइल ने दावा किया है कि हमले में नुकसान न के बराबर हुआ है। जानकारी के मुताबिक इसराइल को करीब एक घंटे पहले ही ईरान के हमले का अलर्ट मिल चुका था। इजरायली लोग बंकर और शेल्टर में जा चुके थे और इसराइल के आसमान की सुरक्षा के लिए आयरन डोम अलर्ट पर था। आयरन डोम ने ईरानी मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया। इसराइल का दावा है कि करीब 99% हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। हालांकि ईरान का दावा इसके ठीक उलट है। ईरान का दावा है कि इसके 80% मिसाइल इजरायली शहरों पर गिरे हैं। इनमें से नेवातिम एयरबेस को पूरी तरह से तबाह करने का भी दावा शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है आयरन डोम, जिसकी मदद से इसराइल ने ईरान की मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट करने का दावा किया है। दरअसल आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट कर हवा में मार गिराता है। आयरन डोम में 3 या 4 लॉन्चर होते हैं। एक लॉन्चर से एक साथ 20 मिसाइल दागी जा सकती है। आयरन डोम का रडार बहुत ही सेंसिटिव होता है। यह रॉकेट का पता तो लगाता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि मिसाइल परीक्षण आबादी वाले इलाके में जा रहा है या खुले मैदान में। मिसाइल अगर खुले मैदान में गिर रहा होता है तो आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट नहीं करता। जब तक कोई भी मिसाइल इसराइल की हवाई सीमा की जद में आता है, इसराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम एक्टिव हो जाता है। आयरन डोम की सफलता करीब 90 से 95% होने का दावा इसराइली फोर्स करती है। अब वही बात करें ईरान के हमले से इसराइल में आई तबाही की, तो ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरानी हमले में इसराइल के एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नेजामिन कॉरिडोर में इसराइली टैंक पर ये मिसाइल गिरे हैं। हालांकि ईरान के इन दावों की इसराइल ने पुष्टि नहीं की है। इसराइल का दावा है कि ईरान की मिसाइलें और शार्पनेल डेड सी देश के दक्षिण इलाके और तेल अविव के आसपास शेरोन इलाके में गिरी है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई है। ईरान और इसराइल के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है। ईरान इसराइल के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन की एयरबेस सीमा पड़ती है। हमले के लिए कम से कम 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ईरानी मिसाइल को पहुंचने में 5 मिनट से भी कम का समय लगता है। दरअसल 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद से ही इस जंग के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन ईरान की ओर से बयानबाजी के अलावा कोई एक्शन नहीं लिया गया। 27 सितंबर को इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह का मारा जाना ईरान के लिए एक बड़ा झटका था। ईरान ने इसराइल पर इस हमले को हानिया का बदला बताया है। खैर, इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।